अरविंद सिंह, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे दोस्तों। तो मैं अभी बाली ब्रिज पे हूँ और ये जो पीछे में देख रहे हैं, ये बाली ब्रिज के बगल में जो नया फ्लाई ओवर बना है, नया क्या पुराना हो गया, काफ़ी दिन हो गया बने हुए, तो वही फ्लाई ओवर है और मैं बाली पे हूँ, बाली ब्रिज पे। बहुत गर्मी है दोस्तों, तो यहाँ का कुछ सीन ऐसा है, देख सकते हैं बाली ब्रिज का नज़ारा। बाली ब्रिज का नज़ारा, बहुत गर्मी है, तो आज एक छोटा सा राइड होने वाला है, आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए आप लोगों को राइड पे ले चलता हूँ। और नीचे में गंगा है, देख सकते हैं, गर्मी की वजह से सब कोई नहा रहा है, मेरे पीछे में बहुत सारे आदमी नहा रहे हैं। तो चलिए आज एक छोटा राइड होने वाला है दोस्तों, तो राइड पे चलते हैं, वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप न करें, चलिए चलते हैं। गर्मी बहुत है भाई। बाली ब्रिज का सुंदर सा व्यू आप लोगों के सामने में है, चलिए अब निकलते हैं। बहुत गर्मी है लेकिन चलिए आप लोगों के लिए चला जाए और एक टेंपल आप लोगों को दिखाया जाए। राम जी सीता जी देख सकते हैं, ये पास में फ्लाई ओवर है नया वाला, तो नीचे में गंगा, दो फ्लाई ओवर। मैं बाली ब्रिज पे जा रहा हूँ और उस साइड के फ्लाई ओवर से जाएंगे तो उस पर बाइक अलाउ नहीं है, आप लोग अगर गाड़ी से जाते हैं तो वहाँ पे टैक्स, टोल टैक्स लगता है, तो आप लोग पे करके जा सकते हैं। तो बाली ब्रिज का कुछ दृश्य ऐसा है दोस्तों, अब बाली ब्रिज अब लास्ट है, अब आने वाला है बाली घाट। बाली ब्रिज खत्म होगा, बाली घाट आएगा। दाहिने में बाली ब्रिज के ऊपर से भी ट्रेन जाती है, ये देखिए सामने में बाली घाट है, और यहाँ से बाएं अगर आप लोग जाते हैं तो ये घुसरी, हावड़ा, बेलूर मठ सब लेके चला जाएगा। मुझे जाना है सीधा, तो सुंदर सा टेंपल है राम जी सीता माँ का, और नीचे में बजरंगबली, तो आज वहीं पे चलते हैं। पाकुड़िया सलब से नज़दीक में है, मतलब थोड़ा सा ही आगे सलब मोड़ है, तो चलिए चलते हैं, अंडरग्राउंड से निकला जाए। और चलिए अब मैं आ गया, ये जो रास्ता जा रहा है ये दिल्ली रोड और बॉम्बे रोड, जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, दिल्ली रोड को भी जोड़ेगा, बॉम्बे रोड को भी जोड़ेगा। तो मैं अब जा रहा हूँ, दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि मेरा वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और राइट साइड में है सब्सक्राइब का लाल बटन, उसको दबा दें और बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब आने वाला है रसचंदोपुर, बाली हॉल्ट पार कर चुका हूँ, अब आने वाला है रसचंदोपुर। रसचंदोपुर पार करके अभी यह जो ऊपर में जो नया फ्लाई ओवर है वही रास्ता का मैं नीचे से पार कर रहा हूँ, रसचंदोपुर से निकल चुका हूँ, और चलिए सीधा चल जाए टेम्पल की ओर। वीडियो में बने रहे आप लोग, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर है राम जी और सीता माँ का।
तो वीडियो में बने रहे। अब दोस्तों पेट्रोल का दाम इतना बढ़ चुका है, अब लग रहा है पेट्रोल बाइक छोड़ के इलेक्ट्रिक बाइक पे आना होगा, क्योंकि अभी के डेट में पेट्रोल का दाम हो चुका है 115 रुपये यहाँ। तो अब बाइक राइडिंग पेट्रोल वाला बाइक का, अब इसका विकल्प यही निकलता है कि बैटरी वाला बाइक चलाना पड़ेगा। अब ब्लॉगिंग इसीलिए थोड़ा कम आ रहा है। ये जो सामने देख रहे हैं, ये सीधा अगर जाते हैं तो दिल्ली रोड, और बाएं जो जा रहे हैं ये बॉम्बे रोड। गाड़ी जा रही है ये सीधा दिल्ली रोड पकड़ रही है, और ये बाइक जो जा रहा है ये बॉम्बे रोड, सीधा दिल्ली रोड, बाएं बॉम्बे रोड। तो मैं बॉम्बे रोड में जा रहा हूँ, पाकुड़िया जाऊँगा। मुझे जाना है राम जी के मंदिर में, और हनुमान जी वहीं एक ही जगह पे है दोनों। तो चलिए चलते हैं। नियर अबाउट सलब मोड़ बोल सकते हैं। सलब मोड़ से अगर आप किसी से भी पूछते हैं तो आप लोगों को कोई भी बता देगा कि मुझे हनुमान जी का मंदिर, बाल हनुमान मतलब छोटा हनुमान जी का मूर्ति है बचपन का, तो इसीलिए बाल हनुमान कहा जाता है। तो दोस्तों, और नीचे में हनुमान जी का मंदिर है, ऊपर में आप लोगों को राम जी और सीता माँ का और लक्ष्मण जी का वहाँ पर मूर्ति है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए, बहुत कुछ आज नया देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है। वाह, दिल खुश हो गया। दोस्तों जब भी बाइक चलाएं, हेलमेट अपना सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। हेलमेट वेलमेट अपना, एल्बो उल्बो गार्ड हो तो लगा लें, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। आपसे बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों, आपके लाइफ से आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, आप है तो सब कुछ है। तो अपना सेफ्टी का ख्याल रखें। सुंदर सा व्यू आ रहा है, पता नहीं मेरा वॉइस कैसा आ रहा है आप लोगों को वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे वॉइस आवाज़ साउंड कैसा आ रहा है। ऐसा, और इसका टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेके
शाम को 7 बजे तक खुला हुआ रहता है। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। आप लोगों को मंदिर एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। ये मेन गेट है टेंपल का। कोविड के चलते यहाँ पर टाइम चेंज हुआ है। जूता चप्पल अलाउ नहीं है, आप ऐसे आ सकते हैं। बहुत प्यारा मंदिर है, टेंपल देख सकते हैं। बजरंगबली का मंदिर है शायद। मैं भी फर्स्ट बार आ रहा हूँ इस मंदिर में। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर का नज़ारा। यही है टेंपल, देख सकते हैं आप लोग। सुंदर सा प्यारा सा टेंपल, राम जी और सीता माँ का टेंपल है। देख सकते हैं कितना सुंदर टेंपल है। सालाब मोड़ के नज़दीक में ही है। आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। जितना हो सकेगा आप लोगों को एक्सप्लोर कर दूँगा। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल है। दर्शन करके आ रहे हैं, मैं भी चलता हूँ अंदर। आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहे तो सब आप लोगों के लिए ही। जहाँ जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ, कुछ अच्छा दिखाता हूँ आप लोगों को, अच्छा लगे तो देखिए राम जी का मंदिर। क्या नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा। Yeah.
यहाँ पे बाल हनुमान जी हैं, देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नज़ारा है। नीचे में हनुमान जी, ऊपर में राम जी। चलिए निकला जाए मंदिर से, आइए यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत शांति है। आप लोग आइए यहाँ पे विजिट कीजिए मंदिर में, राम जी का मंदिर है, बजरंगबली भी है, आइए आप लोग विजिट कीजिए, अच्छा लगेगा, बहुत शांति है यहाँ पे। बहुत धूप तेज है, दोस्तों मेरे चैनल तक आप लोग पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों के पास। तो दोस्तों क्या लेके आए, क्या लेके आया जाएगा, घंटा लेके आया, घंटा लेके जाएगा, मोह माया है सब और कुछ नहीं। तो दोस्तों इंजॉय करो, खुश रहा करो, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।